बच्चों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ और आज मैं गद्य पाठ के कुछ प्रश्नों को आपको लिखवाना चाह रही हूँ जो पाठ से अतिरिक्त प्रश्न हैं और प्रायः उन किसी न किसी सन में वे पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को मैं आपको लिखवा दे रही हूँ हर एक पाठ से दो दो तीन तीन प्रश्न, ताकि आपको वैसे प्रश्न अगर बोर्ड परीक्षाओं के आ जाएं तो आप उसे अच्छी तरह से लिख सकें। तो मैं प्रश्नों को, आज मैंने पाठ लिया है गद्य का चौथा, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के मैं कुछ पाठ के अभ्यास प्रश्नों को छोड़कर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं मैं उन्हें आपको करवाने चल रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो मैं सबसे पहले प्रश्न लिखूंगी, फिर मैं प्रश्न को रख कर दूंगी क्योंकि जगह की कमी है, और फिर मैं उसके उत्तरों को लिखूंगी। तो मैं पहले किसी जो सन में प्रश्न आए हैं उनको लेके चलती हूँ। एक प्रश्न सन, एक आपके सम्पे पेपर का प्रश्न है ये, सुलेमान बादशाह अन्य बादशाहों से किस तरह अलग थे। प्रश्न है सुलेमान बादशाह, सुलेमान बादशाह अन्य बादशाहों से, अन्य बादशाहों से किस तरह अलग थे। तो ये प्रश्न आप उतार लीजिए, मैं इसका उत्तर भी लिखूंगी। तो सुलेमान बादशाह अन्य बादशाहों से अलग थे, जिन्हें सोलोमन भी कहा जाता है। सोलोमन, इनका उदाहरण आपको कुरान में भी मिलेगा और बाइबल में भी मिलेगा। तो ये चीजें हैं जिन्हें हम सोलोमन कहते हैं। केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, ये छोटे छोटे पशु और पक्षियों की भी भाषा जानते थे, उनके भी राजा थे और उनके भी कष्टों को जानते थे, उनकी भाषा को जानते थे। तो हमेशा उनके प्रति संवेदनशील रहते थे। तो इसी बात को इसमें लिखना है, तो मैं उसे लिखवाने चल रही हूं, आप तैयार हो जाइए। सुलेमान, जिन्हें बाइबल में सोलोमन कहा जाता है, सुलेमान जिन्हें बाइबल में सोलोमन कहा जाता है, वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों, पक्षियों के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, वह
इन सब की भाषा भी जानते थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, जबकि अन्य राजाओं के पास ऐसी संवेदनशीलता जबकि अन्य राजाओं के पास ऐसी संवेदनशीलता और मानवता न होने से सुलेमान या सोलेमैन भी लिख सकते हैं, सुलेमान अन्य बादशाहों से बिल्कुल अलग थे। तो इन्होंने यहाँ पर उनके अलग होने का कारण बता दिया कि वो किस कारण से बिल्कुल अलग थे। तो उनके अलग होने का कारण था कि उन्हें उनके अंदर संवेदनशीलता बहुत थी, और संवेदनशीलता के साथ साथ ही वे जो थे इस बात को कि पशु पक्षियों की भी भाषा वो अच्छे से जानते थे और उनका भी ध्यान रखते थे, तो बादशाहों के भी बादशाह हो गए थे। तो यहाँ पर ये इसीलिए कहा गया कि ये अन्य बादशाहों से अलग थे। तो अब मैं किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नीचे लिखने पे मुझे उम्मीद है कि एक दो लाइन ही आप देख सकेंगे। मैं प्रश्न लिखती हूँ, तब तक आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सुलेमान ने चींटियों का भय किस तरह दूर किया? प्रश्न है, सुलेमान ने किस तरह से चींटियों का भय दूर किया। ये क्वेश्चन है, इसको आप उतारिए और मैं इससे ज्यादा नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ऊपर वाले प्रश्न को रख करूंगी। आप इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, मैं इसका आंसर ऊपर लिखूंगी। मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको रब कर रही हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं ऊपर लिखूंगी, क्योंकि नीचे लिखने पर एक लाइन के बाद मैं नहीं लिख पाऊंगी, जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी ताकि आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख सकिए, आपका भी समय बचेगा। तो मैं प्रश्न को अभी नहीं मिटा रही हूं, मैं दो लाइन उत्तर लिख लूं फिर मैं इस प्रश्न को भी रब करूंगी। आप तब तक जिन्होंने प्रश्न नहीं उतारा वो उतार ले। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया, मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ और उत्तर भी मैं यहाँ पर दूसरा उत्तर नंबर दो करके लिखती हूँ, ताकि आप समझ जाइए कि किस प्रश्न का उत्तर है, आप अच्छे से जान जाएंगे। तो इसका उत्तर लिखिए, सुलेमान के लश्कर के साथ गुजरते हुए
सुलेमान के लश्कर के साथ गुजरते हुए जब चींटियों ने उनके घोड़ों के जब चींटियों ने चींटियों ने उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो उनके घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो वे भयभीत हो गई वे भयभीत हो गई और वे एक दूसरे से रास्ता छोड़ने की बात कहने लगी। जब सुलेमान ने सुना तो उनका भय दूर करने के लिए उनका भय दूर करने के लिए कहा, घबराओ नहीं। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, घबराओ नहीं सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। वह सबके लिए मोहब्बत का पैगाम है। उस सबको प्रेम की नजर से देखता है, तो सबके लिए मोहब्बत है। वह सबके लिए मोहब्बत है ऐसा कहकर उसने चींटियों के भय को दूर कर दिया। देखिए, प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। आप इसको उतार लीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं किनारे हट गई थी, मैं इसे मिटाने चल रही हूं। अब मैं अगले प्रश्न पर आऊंगी, उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पूरा कर लिया होगा। मैं कोशिश मेरी ये है कि वार्षिक परीक्षाओं यानी बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पुस्तक के अतिरिक्त, पुस्तक के अभ्यास प्रश्न के अतिरिक्त उन प्रश्नों को आपको कराने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आपको कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे लिख सकें। नूह के प्रश्न, अगला प्रश्न है नूह के लकब, लकब एक पदवी थी, नूह के लकब जिंदगी भर क्यों रोते रहे। अब इसका उत्तर लिखती हूं, तो प्रश्न आप उतार लीजिए, मैं इसका उत्तर शुरू करूंगी। चलिए इसका उत्तर शुरू करिए। नूह के लकब जिंदगी भर इसलिए रोते रहे, नूह के लकब जिंदगी भर इसलिए रोते रहे क्योंकि एक बार उन्होंने जख्मी घायल कुत्ते को देखकर दुत्कारते हुए कहा, कह दिया था, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते को देखकर दुत्कारते हुए कह दिया था कि दूर हो जा कुत्ते, दूर हो जा कुत्ते। दुत्कार सुनकर उस कुत्ते ने उनसे कहा था कि ना मैं अपनी, दुत्कार सुनकर उस कुत्ते ने उनसे कहा था कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं,
और न तुम आदमी। उसने कहा था कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम आदमी। हम सबको बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला वही एक खुदा है, यानी वही एक ईश्वर है जो मनुष्य भी बनाता है, जानवर भी बनाता है और हम सबको बनाने वाला वही एक खुदा है। यह सुनकर वे जीवन भर रोते रहे। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि नूह के लकब जिंदगी भर क्यों रोते रहे, तो आपको ये घटना पूरी देनी होगी, उसमें बतानी होगी कि नूह के लकब जिंदगी भर क्यों रोते रहे। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूं। अगला प्रश्न है, मैं इसे रब कर देती हूं, मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगले प्रश्न पर आती हूं कि महाभारत में युधिष्ठिर का एकांत कुत्ते ने किस तरह शांत किया। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, मैं इसको भी लिखवा देती हूं, तो मैं इसे रब कर रही हूं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है, महाभारत में युधिष्ठिर का एकांत कुत्ते ने किस तरह शांत किया। कुत्ते ने किस तरह शांत किया। आपको शायद महाभारत की कथा याद होगी कि आप जानते होंगे कि जब महाभारत के अंत में युद्ध खत्म होने के बाद पांडव यानी युधिष्ठिर अपने पांचों भाई और द्रौपदी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जीव अन्य उसके साथ जाता है जो कुत्ता रहता है, वो जो उनके स्वर्ग के द्वार के तक उनके साथ जाता है। बाद में पता चलता है कि वो यमराज रहते हैं। फिलहाल इस कहानी प्रश्न को आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। तो महाभारत में पांडवों के जीवन का जब अंतिम समय आया, उत्तर लिखिए। महाभारत में जब पांडवों के जीवन का अंतिम समय अंतिम समय आया तो पांचों पांडव द्रौपदी समेत तो
पांचों पांडव द्रौपदी समेत हिमालय की ओर चल पड़े चल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। जो जो पांडव ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों पांडव आगे बढ़ते जा रहे थे, त्यों त्यों एक ज्यों ज्यों पांडव आगे बढ़ते जा रहे थे त्यों त्यों एक एक करके सभी पांडव भाई भूमि पर गिरते जा रहे भूमि पर गिरते जा रहे थे और उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। यहां तक कि द्रौपदी भी उनका साथ छोड़ गिर जाती हैं, परंतु वह कुत्ता अंत तक उनका साथ देता हुआ स्वर्ग के द्वार तक गया और उसने उनका मन शांत किया। कहानी और आगे की है। आपने महाभारत की घटना अगर पढ़ी होगी तो आप उसे अच्छी तरह जानते होंगे कि अंततः वो ये पता लगता है कि वो यमराज रहते हैं और वो अंत में उठते हैं और साथ देके दौरव के पहले ही वो वरदान देते हैं युधिष्ठिर को। तो अंत में उनके सारे भाई एक एक करके जीवित हो जाते हैं और सशरीर वे स्वर्गलोक की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये कहानी अपनी जगह अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर पाठ में ये दिखाने के लिए इस प्रश्न को पूछा गया है
कि कुत्ता जो बहुत निकृष्ट होता है लेकिन अंत तक उसने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा, वो स्वर्ग के द्वार तक साथ गया। भाई साथ छोड़ते गए, पत्नी साथ छोड़ दी, मगर वो गया। तो यहाँ उस कुत्ते के महत्व को दिखाने के लिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाभारत में युधिष्ठिर के एकांत कुत्ते ने किस तरह शांत किया, कैसे वो साथ देता हुआ गया, ये बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस पाठ के जो ये अतिरिक्त प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।